नमस्कार, द अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरी यही सब्जियां आती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ छोटे वाले बैंगन की मसाला करी। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने लिए हैं ये छोटे वाले 250 ग्राम बैंगन। अब मैं इनको डंडी समेत ही इधर से कट कर लूँगी, मतलब डंडी अलग नहीं करूँगी और इधर से कट कर लूँगी। मैंने इनको धोकर अच्छे से पोंछ लिया है और आप इन्हें इस तरीके से, मतलब एक सिरा इनका जुड़ा रहने दीजिए और इस तरीके से इनको कट कर लीजिए। और इनकी आप दोस्तों पीछे से भी हल्का हल्का जो एक्स्ट्रा है थोड़ा, और एक्स्ट्रा डंडी को उसको भी निकाल दीजिए। बस इतनी डंडी इसमें रहने दीजिए और बाकी सभी को इस तरीके से आप कट कर लीजिए। देखिए, हमने सभी बैंगनों को कट कर लिया है। अब हम बनाते हैं इनमें फिल करने के लिए एक मसाला। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची का, आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर और बिल्कुल 1/3 स्पून गरम मसाला, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लास्ट बेस में डाल दें एक छोटी चम्मच ऑयल की। इस सारे मसाले को अच्छे से आप मिक्स कर लें। देखिए, हमारी फिलिंग का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे बैंगन के अंदर भर लेंगे। आप इस तरह से बैंगन लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से खोलिए, इसमें इस मसाले को इस तरीके से डालिए, दोनों तरफ से खोल कर डालना है इस तरीके से, और इसको ऐसे चिपका के बंद कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने सभी बैंगनों में ये मसाला फिल कर लें। देखिए, हमारे सारे बैंगन फिल हो चुके हैं और हमारा मसाला भी ख़त्म हो गया है। ये मसाला दोस्तों 250 ग्राम बैंगन के लिए सफिशियंट था। तो चलिए अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अब दोस्तों, हमने एक कढ़ाई को ले लिया है गैस पर और इसमें मैं डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, मैं इसमें इन बैंगनों को डाल दूंगी और लो टू मीडियम गैस पर इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूंगी। देखिए दोस्तों, करीब 4-5 मिनट हो गए इन्हें भूनते हुए और हमारे बैंगन थोड़े थोड़े सॉफ्ट भी होने लगे हैं। बस इस स्टेज पर आप गैस को बंद कर दीजिए और इन्हें निकाल लीजिए। अब दोस्तों, हमें इनके लिए बनानी है ग्रेवी। इसके लिए मैंने उसी कढ़ाई को ले लिया है, बस थोड़ा सा पेपर टॉवल से पोंछ लिया है। आपको ज़्यादा बर्तन करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही कढ़ाई में आपकी पूरी सब्जी बन जाएगी। अब इसमें आप डाल दें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मैं सब्जियां दोस्तों अधिकतर सरसों के तेल में बनाना प्रेफर करती हूं, क्योंकि सरसों का तेल एक तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत गुणकारी होता है, और इसमें बनी सब्जियों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग आता है। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा, आप इसमें डाल दें एक तेज पत्ता, मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, और 2 छोटी हरी इलायची। अब डाल दें 1 चुटकी हींग, आधा छोटी चम्मच राई। राई का कॉम्बिनेशन दोस्तों बैंगन के साथ बहुत ही अच्छा रहता है। और अब इसमें डाल दें 1/2 छोटी चम्मच जीरा। अब मैंने लिए हैं 2 बड़ी प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था, अब इसमें वो डाल रही हूँ मैं। और इसे अच्छे से गुलाबी होने तक आप भून लें। देखिए दोस्तों, हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है। अब इसमें आप डाल दें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, सब्जियों को बनाने में कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जिनको यूज़ करके आप अपनी सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ा सकते हैं। सेम इन्ग्रीडियंट से आप एकदम होटल से भी अच्छी सब्जी घर में बना सकते हैं। तो सारी ट्रिक्स आप फॉलो करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी में मसालों की अच्छी महक बनी रहे, तो आप कभी भी इन सब चीज़ों को बहुत हाई फ्लेम पर ना भूनें। ये मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम को ना रखें, मीडियम गैस रखें, तो उससे जो एक इनका फ्लेवर है वो सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। देखिए, हमारी प्याज लाल होने लगी है। अब इस स्टेज पर आप इसमें डाल दें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और इन्हें भी डालकर आप करीब 1 मिनट के लिए भी इन मसालों को भून लें। मैंने इन्हें 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें डाल दें आप 3 टमाटर का पेस्ट। मैंने 3 टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब इसमें आप डाल दें 1 चम्मच भुनी हुई मूंगफली का पाउडर। 1 चम्मच को हमने बैंगन की फिलिंग में डाल लिया था। टोटल इस सब्जी में हमने 2 चम्मच मूंगफली के पाउडर का यूज़ किया है। इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अब आप इसमें डाल दें 2 चम्मच दही, और इसे लगातार चलाते हुए तेल सेपरेट होने तक सारे मसाले को भून लें।
दही डालने के बाद आप मसाले को कंटिन्यू चलाएं, वरना दही फट सकती है। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसमें से तेल भी सेपरेट होने लगा है। बस अब आप इसमें डाल दें करीब एक ग्लास पानी। ये मैंने जार को धोकर पानी ले लिया था जिसमें मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था। ग्रेवी आप दोस्तों अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पतली और गाढ़ी रख सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। देखिए दोस्तों, हमारी ग्रेवी खदकने लगी है। अब इस स्टेज पर आप अपने फ्राई किए हुए बैंगन इसमें डाल दें। और ऊपर से डाल दें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और इस सब्जी को लिड लगाकर करीब 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो गैस पर आप पकने दें। देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारे बैंगन जो ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। बस इस स्टेज पर आप कर दें गैस को बंद और इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हमारे मसाला बैंगन बनकर तैयार हैं। देखिए मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ, कितने अच्छे और टेस्टी मसाला बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। देखिए आप इन्हें चपाती, पराठा किसी के साथ भी सर्व कीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।